हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएसके स्टडी मटेरियल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी की नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। और इस क्लास में हम लोग कौन सा टॉपिक करने वाले हैं वही देखिए। इसमें एक दो तो हम थ्योरम करेंगे, जिनमें फर्स्ट थ्योरम है हमारी एडिशन या फिर टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता का योग प्रमेय या फिर पूर्ण प्रायिकता प्रमेय। सो प्रोबेबिलिटी के लिए एडिशन थ्योरम क्या होती है, और ऐसे ही अपनी नेक्स्ट आएगी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। सो दोनों को करेंगे फर्स्ट। अब एडिशन थ्योरम में भी दो केस होते हैं। पहला केस क्या है, व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमने मान लिया कि आपकी जितने भी इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी परस्पर अपवर्जी हैं। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि आपका उन इवेंट्स में इंटरसेक्शन जो है वो फाई है, यानी कि आपके पास जैसे मान लिया दो इवेंट्स हैं A1 और A2, तो यदि इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, यानी कि इन दोनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम कहेंगे कि भाई वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और ये सारी जो डेफिनेशंस हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वगैरह, ये मैंने आपको जो है प्रोबेबिलिटी की फ़र्स्ट क्लास जो हुई थी उसमें अच्छे से आपको समझाई हैं, तो आप वहाँ से भी इनको अच्छी तरह समझ सकते हैं जितनी भी डेफिनेशंस हैं। सो फर्स्ट केस है हमारा, व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है देखिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द हैपनिंग ऑफ द सेपरेट इवेंट्स, दैट इज इफ़ A1, A2... आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन पी ऑफ A1 + A2 + AN इज इक्वल टू, जिसको दूसरा फॉर्मेट हम लिख सकते हैं, पी ऑफ A1 ( A2 ) AN। इसका आंसर आता है P(A1 + P(A2 + AN। तो यहाँ से आप समझिए कि आपके पास A1, A2, AN ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो हमें क्या निकालना है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 + A2 ... AN, और इसको अपन बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एट लीस्ट वन। ओके, ये रहा देखो कहाँ पे लिखा है, ये रहा प्रोबेबिलिटीज, ये रहा देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो A1, A2, AN जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, इनमें से किसी एक के घटित होने की प्रायिकता, एनी वन ऑफ द इवेंट्स, तो किसी एक के, यानी कि इनमें से कोई भी एक इवेंट कब होगी, जिसका दूसरा फॉर्मेट होता है, इसको आप यूनियन भी लिख सकते हो। तो इसका आंसर क्या आता है कि इनकी जो अलग अलग प्रोबेबिलिटी है वो ऐड हो जाएगी नॉर्मली। ओके, PA1 + PA2 + PAN। तो प्रूफ देखिए इसका। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास लेट द नंबर ऑफ टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट्स इज इक्वल टू एन। तो ये हो गया हमारा सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस में जो भी हमारे सैम्पल पॉइंट्स होते हैं वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स की तरह होते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब निशेष घटनाएं। निशेष घटनाएं का मतलब उन सभी को यदि हम मिला लें तो हमारा जो यूनिवर्सल सेट है, सैम्पल स्पेस है, वो बन जाएगा। तो परस्पर अब निशेष घटनाएं हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट। तो सामने मान लिया कि नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितने हो गए, कैपिटल एन। ये तो टोटल इवेंट, टोटल सैम्पल पॉइंट हो गए। इसमें से देन लेट A1, A2... AN आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। हमने मान लिया कि हमारे पास A1 से लेके AN तक परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, विद फेवरेबल कंडीशंस M1, M2... MN रेस्पेक्टिवली। हमने मान लिया कि जो इवेंट A1 है उसकी फेवरेबल कंडीशंस हमने मान ली M1, A2 की फेवरेबल कंडीशन M2 एंड AN की फेवरेबल कंडीशन MN। ओके, फेवरेबल कंडीशन आप सभी जानते हो, जैसे हम कहें कि अपन एक सिक्का उछालें, यदि हम एक कॉइन को टॉस करें तो कॉइन के आपको पता है कि हेड आने की फेवरेबल कंडीशन एक ही है कि भाई एक ही बार हेड आएगा। ऐसे ही टेल आने की कंडीशन भी क्या है, एक ही है कि एक बार ही टेल आ सकता है, ज़्यादा नहीं आ सकता, बिकॉज़ हम एक सिक्के को एक ही बार टॉस कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमने मान लिया कि जो A1, A2, AN जो इवेंट्स हैं उनके हमने फेवरेबल कंडीशन मान ली कि M1 बार, M2 बार या फिर MN, इतने बार ही आपकी जो है इवेंट्स घटित हो सकते हैं। देन अब यदि हम इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल तो ईजीली निकाल सकते हैं। A1 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, P(A1) = M1/N, इसकी फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल सैम्पल पॉइंट्स, तो M1/N। इसी तरह से P(A2) = M2/N ... P(AN) ये आ गया हमारा MN/N। ठीक है, तो हमने अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। अब सिंस इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हमें पता है कि जो घटनाएं आपको दे रखी हैं वो परस्पर अपवर्जी घटनाएं दे रखी हैं। इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि कोई भी दो इवेंट्स
एक साथ घटित नहीं होंगी, एक साथ हैपन नहीं होंगी, तो यानी कि, यानी का मतलब उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो फाई होगा। सो दिस इम्प्लाइज ए आई इंटरसेक्शन ए जे इज इक्वल टू फाई व्हेन आई नॉट इक्वल्स टू जे। तो कहने का मतलब जब आप दो अलग अलग इवेंट्स लोगे ना, आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब एक बार तो आपने ए वन ले ली, दूसरी बार ए टू ले ली, तीसरी बार आपने ए वन के साथ ए थ्री ले लिया, तो जब आप दो अलग अलग इवेंट्स लेंगे तो उन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आएगा। यानी कि ये जो ए वन से लेके ए एन इवेंट्स हैं, इन ये इनमें से कोई भी दो इवेंट्स कभी भी एक साथ हैपन नहीं होंगे। दिस इम्प्लाइज द फेवरेबल कंडीशन फॉर एनी टू ऑफ द इवेंट्स आर टोटली डिफरेंट। कहने का मतलब क्या है कि भाई दो इवेंट्स के लिए जब इंटरसेक्शन फाई है तो कहने का मतलब दोनों की जो फेवरेबल कंडीशन है वो अलग अलग होंगी, यानी कि ए आई की अलग होगी और ए जे की अलग होगी। दिस इम्प्लाइज टोटल फेवरेबल कंडीशन फॉर ए वन और ए टू और डॉट 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 और ए थ्री। यही हमें इसमें फाइंड करना है, तो पहले आप स्टेटमेंट में चलो। देखो स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एनी वन का मतलब है या तो ए वन हो या ए टू हो या फिर ए एन हो, इनमें से कोई भी एक हो। तो हम बोल रहे हैं या, यानी और जब भी आता है तो प्लस का सिंबल आता है, इसलिए हम क्या निकालना चाहेंगे, ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 ए एन की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारी जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है उनका इंटरसेक्शन फाई है, तो कहने का मतलब यदि हम फेवरेबल कंडीशन निकालें किसकी, ए वन हैपन हो और ए टू हैपन हो और, ओके इंग्लिश वाला और है यानी अथवा या, तो या तो ए वन घटित हो या ए टू घटित हो या फिर ए थ्री घटित हो डॉट 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 ए एन, यहाँ पे ए एन आएगा, सॉरी सही कर लेना, ए वन ए टू डॉट 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 ए एन। तो इन सब की यदि हम फेवरेबल कंडीशन निकालें तो आप या आ रहा है तो इनका मतलब इनकी जो फेवरेबल कंडीशन वो ऐड हो जाएंगी। सो एम वन प्लस एम टू प्लस डॉट 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 एम एन। ओके, यहाँ ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, जैसे आपने ट्वेल्थ क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ी है उसमें कोई भी एक एग्जांपल ले लो, उसमें अपन यदि ऐसे बोलते हैं ना कि घटना ए या बी की घटित होने की प्रायिकता, तो या जब भी आता है तो हम उन दोनों के कंडीशंस को जोड़ते हैं, और तथा आता है एंड आता है, एंड आता आए तो हम उनकी कंडीशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। सो अब हमें पता लग गया कि टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल फेवरेबल कंडीशन ए वन और ए टू और ए एन की कितनी हो गई, एम वन प्लस एम टू प्लस डॉट 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 ए एन, और इसी की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एनी वन इवेंट आउट ऑफ ए वन ए टू डॉट 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 ए एन, किसी भी एक के घटित होने की जो घटना है प्रायिकता क्या होगी, पी ऑफ ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 ए एन इक्वल टू, इनकी फेवरेबल कंडीशन कितनी है ये रही, एम वन प्लस एम टू डॉट 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 एम एन अपॉन टोटल सैम्पल पॉइंट्स है हमारे पास एन। ओके, अब एन का हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो एम वन अपॉन एन प्लस एम टू अपॉन एन प्लस डॉट 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 एम एन अपॉन एन, इनकी वैल्यूज हमने पहले ही निकाल रखी, तो एम वन अपॉन एन को आप लिख सकते हो पी ऑफ ए वन प्लस पी ऑफ ए टू प्लस डॉट 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 पी ऑफ ए एन। सो यहाँ से प्रूफ हो जाता है पी ऑफ ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 ए एन इक्वल टू पी ऑफ ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए एन। यूनियन इसलिए बोलते हैं कि इसमें यूनियन में इनमें से कोई भी एक आ सकती है, तो उसका मतलब यूनियन होता है। और वैसे भी आप जानते हो कि भाई यदि हम दो सेट्स का यूनियन करें तो उनमें जो कोई भी एलिमेंट होता है वो उन दोनों में से किसी भी एक में आ सकता है, तो इसका मतलब इन एन इवेंट्स में से कोई भी एक आ सकती है। तो इसका आंसर आ जाएगा पी ए वन प्लस पी ए टू डॉट 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 पी ए एन। तो ये थी हमारी एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी की, और कब थी, जब इवेंट्स हमारी कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी उनका इंटरसेक्शन जो है वो फाई है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी का सेकेंड केस, इसी थ्योरम का। तो यदि हम ले लें व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हम ये मान लें कि भाई जो घटनाएं हैं वो परस्पर अपवर्जी नहीं हैं, यानी कि उनका कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन है, इसको कैसे करेंगे। देखो स्टेटमेंट क्या है, अब इसमें एन वाला केस नहीं लिया है, केवल तीन इवेंट्स लिए हैं इसने। ओके, एन वाला केस नहीं लिया है बिकॉज एन वाला जो फार्मूला होगा वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए इसमें आपको दो या तीन इवेंट्स के लिए ही आएगा ये वाला केस। तो आपने मान ली ए बी सी आर थ्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, हमने एक एक्सपेरिमेंट है उसकी तीन इवेंट्स ले ली, अब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ओके, यानी उनका कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन हो सकता है। देन फर्स्ट आपका जो फार्मूला है वो है पी ऑफ ए यूनियन बी, तो पी ऑफ ए यूनियन बी को जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखो यदि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती तो इनका इंटरसेक्शन जीरो होता, फाई होता, तो फाई होता तो ये जीरो हो जाता ये प्रोबेबिलिटी, तो वैसे आंसर क्या आता, पी ऑफ ए यूनियन बी का पी ए प्लस पी बी, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा है। यदि इंटरसेक्शन फाई है तब तो पी ऑफ ए यूनियन बी को हम
पी ए प्लस बी भी लिखते हैं और जिसका आंसर आता है पी ए प्लस पी बी। लेकिन यदि इंटरसेक्शन फाई नहीं है तो ये नया वाला फार्मूला है, आपको याद रखना है, पी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि दो इवेंट्स में से किसी एक इवेंट के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, उनका अलग अलग प्रायिकता, पी ए प्लस पी बी माइनस उनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता। ओके, इसी तरह से सेकेंड फार्मूला है इसका, यदि हम दो की जगह तीन इवेंट ले लें, सो पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मतलब होगा ए कॉमा बी कॉमा सी में से किसी एक इवेंट के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी। इसका आंसर आएगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस लास्ट में पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है, इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखिए, सिंस ए बी सी आर इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ओके, तो हमने अब इन इवेंट्स को दिस इम्प्लाइज ए बी सी आर सबसेट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में जितने भी सैम्पल पॉइंट्स होते हैं उनको अपन मिला दे तो वो सैम्पल स्पेस बन जाता है, और सैम्पल पॉइंट्स के जो सबसेट होते हैं, यानी इस सैम्पल स्पेस के जो सबसेट होंगे जिनमें कुछ भी सैम्पल पॉइंट हो सकते हैं, किसी में एक होगा, किसी में दो होगा, किसी में उसके पूरे सैम्पल स्पेस के बराबर भी हो सकते हैं, तो जो सैम्पल पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है उसी से इवेंट्स हमारी बनती हैं। तो हमारे पास तीन इवेंट्स हैं, इसका मतलब ये तीनों इवेंट हमारी सबसेट होंगी किसकी, सैम्पल स्पेस की। तो अब हम इसका वेन डायग्राम देखें, जैसे हमने ये रेक्टेंगल बना दिया, इस रेक्टेंगल को मैंने नाम दे दिया यू, यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, और फिलहाल हम यूनिवर्सल सेट किसको मानेंगे, सैम्पल स्पेस को। तो हमने मान लिया कि भाई एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें टोटल इतने सारे सैम्पल स्पेस हैं, यानी कि इस रेक्टेंगल के बराबर। अब हमने मान लिया एक इवेंट उसमें ए है, एक इवेंट वी है, और हो सकता है कि उनका कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन भी है। ओके, देन वाई डाइग्राम देखो, देन वाई डाइग्राम ए यूनियन बी, आप डायग्राम से क्लियरली देख सकते हो ए यूनियन बी कितना आएगा, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो कहाँ से आएगा, देखो मैंने ये जो ये वाला एरिया यहाँ पे शेडेड कर रखा है, ये डार्क कर रखा है, इस एरिया को हमने नया नाम दे दिया, देखो ए माइनस बी, यानी कि ए में जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से बी के एलिमेंट हटा दो। आप सभी को ये सब आना चाहिए, ये सब देखो 9th, 10th, 11th, 12th क्लास की चीज़ें हैं, वेन डाइग्राम 11th, 12th में होते हैं। तो ये तो देखो, ये जो मैं अभी सर्किल बना रहा हूँ, ये पूरा ये सर्किल तो आपका पूरी इवेंट ए है, लेकिन इसमें से यदि हम इस इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटा दें तो ये जो आपका डार्क एरिया बचेगा, इस डार्क एरिया में कितने एलिमेंट हैं, ए के एलिमेंट तो हैं, लेकिन हमने से इसमें से बी वाले एलिमेंट्स हटा दिए। देखो इसमें बी भी था और ए भी था, बिकॉज ये इंटरसेक्शन का पार्ट है, तो यहाँ से हमने बी को हटा दिया, तो ए माइनस बी। इसी तरह से ये जो डार्क एरिया है इसका नाम होगा बी माइनस ए, और बीच वाला क्या है, ए ए इंटरसेक्शन बी। तो कहने का मतलब ये जो पूरा देखो ए यूनियन बी क्या होता है, इन दोनों को सबको मिला दें, तो या तो ए के एलिमेंट या बी के एलिमेंट, इसी को हम ए यूनियन बी बोलते हैं। देखो दोबारा से ये जो मैं बाउंड्री बना रहा हूँ, ये ए यूनियन बी है, यहाँ से लेके और ये यहाँ तक की बाउंड्री ए यूनियन बी है। तो ए यूनियन बी को आप कैसे लिख सकते हो, दूसरा तरीका ए माइनस बी। ओके, ए माइनस बी कितना है, ये जो पहला वाला डार्क एरिया ये यूनियन बी माइनस ए, बी माइनस ए कितना है, ये जो दूसरा वाला डार्क एरिया है ये यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये जो बीच वाला खाली एरिया है ये। तो इन तीनों को मिला दें तो ए यूनियन बी बन जाएगा। ओके, बिल्कुल सही है, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज यदि मैं दोनों तरफ पी लगा दूँ, पी अप्लाई करूँ यानी कि प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, यहाँ पे भी बाहर प्रोबेबिलिटी का सिंबल आ गया, ये लिख दिया हमने। दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इसको एज इट इज रखा इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड को हम ओपन करेंगे तो देखो ये कहाँ से आया, इधर साइड में देखो आपने देखा कि ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, ये तीनों आपस में डिसजॉइंट हैं, डिसजॉइंट सेट हैं, ये अलग अलग असंयुक्त सेट हैं, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियरली देख लो, जो ए माइनस बी है और जो ए इंटरसेक्शन बी है इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसे ही बी माइनस ए है उसका भी आपस में इन दोनों से कोई कनेक्शन नहीं है, ये सब तीनों अलग अलग सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनका मतलब इनका इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है। और जब इंटरसेक्शन फाई होता है, इन तीनों का इंटरसेक्शन फाई है, तो उसके लिए तो हमने अभी अभी थ्योरम पढ़ी थी कि जब इंटरसेक्शन फाई होता है तो पी ऑफ ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री क्या आता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए वन प्लस पी ऑफ ए टू प्लस पी ऑफ ए थ्री।
ओके अभी अभी हमने जो एडिशन के लिए जो थ्योरम प्रूफ की थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली, उनमें जो इंटरसेक्शन फाई था, तो इंटरसेक्शन फाई होने पे ये जो यूनियन है वो एज इट इज प्लस में ओपन हो जाता है और प्रोबेबिलिटी सबकी ऐड हो जाती है। ओके ये हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। और कहाँ से आया ये, क्योंकि ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे डिसजॉइंट सेट्स हैं, डाइग्राम से आप देख सकते हो। तो पी ऑफ ए यूनियन बी आ गया आपके पास इतना। ओके हमें इसकी वैल्यू कितनी निकालनी है, देखो फॉर्मूले में जो प्रूफ करना है वो चाहिए आपको, पी ऑफ ए यूनियन बी आपको चाहिए पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो फिलहाल हमारे पास कितना आया है, पी ऑफ ए यूनियन बी इतना आ गया, पी ए माइनस बी प्लस पी माइनस ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब हम जो प्रूफ करना है उसी को फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, देखो यदि वो जो प्रूफ करना है वो भी इसके इक्वल आ जाए तो दोनों आपस में एल एच एस आर एच एस इनके बराबर हो जाएंगे। तो हमने ले लिया अपनी तरफ से पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हम फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, पी ऑफ ए तो पी तो मैंने एज इट इज रखा, अब ये जो कैपिटल ए सेट है इस कैपिटल ए सेट को आप क्या लिख सकते हो, देखो कैपिटल ए सेट को आप लिख सकते हो ये डार्क वाला एरिया यूनियन ये जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है खाली, यदि हम इन दोनों को मिला दें तो पूरा ए बन जाएगा, यानी कि ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो आप ए की जगह लिख सकते हो ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से प्लस पी ऑफ बी, पी बी की जगह हमने लिख दिया बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसी तरह से ये हो जाएगा डायग्राम आप देखो, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हमने एज इट इज लिख दिया। ओके अब फिर से आप देखो ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी फिर से आपकी ये डिसजॉइंट सेट है, डायग्राम से आप देख सकते हो, देखिए ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी ये दोनों आपके डिसजॉइंट सेट्स हैं। और डिसजॉइंट सेट्स के लिए क्या होता है आपका इंटरसेक्शन फाई होता है, तो यहाँ पे भी यदि आप यूनियन पे प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो यूनियन का प्लस बन जाएगा और प्रोबेबिलिटी आपकी प्लस होके आ जाएगी एज इट इज। तो ये जो पहला ब्रैकेट है ये कैसे खुलेगा, पी ए माइनस बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये पहला ब्रैकेट खुल गया। इसी तरह से सेकंड से पी ऑफ बी माइनस ए प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एज इट इज हमने लिख दिया। थोड़ा सा और सॉल्व करिए, पी ऑफ ए माइनस बी यहाँ से आ गया प्लस पी ऑफ बी माइनस ए यहाँ से आ गया, और ये देखो ए इंटरसेक्शन बी दो बार तो प्लस में है और एक बार माइनस में, तो आ जाएगा पी ए माइनस बी प्लस पी बी माइनस ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की आर एच एस इक्वल है, इसका मतलब इन दोनों की एल एच एस भी इक्वल होगी। तो पी ऑफ ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सो फ्रॉम 1 एंड 2 सिंस आर एच एस आर इक्वल दिस इम्प्लाइज एल एच एस विल बी इक्वल, सो दिस इम्प्लाइज पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और इस फॉर्मूले को आप जनरल फार्मूला भी मान सकते हो, भले ही आपको नहीं पता कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, तो ये एक जनरल फार्मूला हो जाएगा। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी तो इंटरसेक्शन जीरो हो जाएगा, तो इसको आप हटा देना तो वैसे आंसर क्या जाएगा, पी ए प्लस पी बी। और जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगी तो ये जीरो नहीं होगा, तो पूरा ये फार्मूला आ जाएगा। तो ये कॉमन फार्मूला है, जनरल फार्मूला है, इसको आप दो इवेंट्स में से किसी एक इवेंट के होने के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो तो ये आपका आंसर आएगा। ओके यही काम हम 3 इवेंट के लिए करेंगे। तो सेकंड पार्ट इसका देखिए, हमें प्रूव करना है पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि 3 इवेंट्स में से किसी एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। सिंस वाई डाइग्राम, अब देखो 3 इवेंट्स हैं, मैंने इनको बना दिया है इस तरह से कि इनका इंटरसेक्शन भी कुछ ना कुछ है, तो डायग्राम अच्छे से बनाना। ओके मैंने डायग्राम में देखो ये जो पूरा एक तो पूरा ए सेट है ये पूरा सर्किल, इसी तरह से ये पूरा जो सर्किल है ये पूरा बी सेट है, इसी तरह से ये पूरा जो सर्किल है ये पूरा सी सेट है। इसके बाद मैंने इनको उनके जो कुछ पार्ट्स हैं उनको अलग अलग नाम दे दिए, जैसे ये जो आपको बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है अंदर वाला, इसका नाम दे दिया मैंने डी। फिर ये देखो ये जो छोटा सा हल्का सा कट बनेगा यहाँ पे, आप डायग्राम अपनी कॉपी में और साफ़ सुथरा बनाना, ये जो हल्का सा कट है इस सेट को नाम दे दिया ई। इसके बाद ये बड़ा वाला इधर का पार्ट है इसको नाम दे दिया एफ। कहने का मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो अलग अलग डिसजॉइंट सेट्स हैं उनके अलग अलग नाम रख देते हैं जो देखने में बिल्कुल अलग अलग हैं। इसी तरह से ये जो छोटा सा पार्ट है इसको नाम दे दिया मैंने आई, बीच वाले पार्ट को दे दिया जे, इसको नाम दे दिया हमने के, नीचे वाले को नाम दे दिया एल। ओके अब देखो सिंस वाई डायग्राम डी ई एफ आई जे के एंड एल आर डिसजॉइंट सेट्स। ओके हमने देख लिया कि ये सभी अलग अलग हैं,
कोई छोटा सेट है, कोई बड़ा सेट है। वेयर, कैपिटल डी का मतलब क्या? देखो ये जो कैपिटल डी है ये आपका कहाँ से आया? इस पूरे सर्किल ए में से। ये जो आपने जो पार्ट हटाए हैं इनको हटा दो तो डी आ जाएगा। तो कहने का मतलब पूरा सर्किल तो क्या था? ए। ए में से हमने क्या हटा दिया? देखो ए में से हमने बी और सी के एलिमेंट हटा दिए। देखो ये वाला तो क्या था, यहाँ पे तो बी के एलिमेंट कॉमन थे और इस वाले में सी के एलिमेंट कॉमन थे। तो ए में से यदि हम बी यूनियन सी को हटा दें, बी और सी को दोनों को हटा दें, तो डी आ जाएगा। इसी तरह से ई कैसे आएगा? देखो कैपिटल ई, ई आएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी में से सी को हटा दो। देखो ध्यान से, ये जो आपका ये जो पूरा बन रहा है ये लंबाई में, ये तो है ए इंटरसेक्शन बी। क्लियरली आप देख सकते हो दो सर्कल का इंटरसेक्शन है ए और बी का। ए और बी का जो इंटरसेक्शन है उसमें से यदि मैं नीचे वाले पार्ट को हटा दूँ, और नीचे वाले पार्ट किसके एलिमेंट आ रहे हैं? सी के। तो सी को हटा दे तो आपका कैपिटल ई बन जाएगा। तो इसका मतलब कैपिटल ई क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी में से सी को हटा दिया। इसी तरह से आप देखेंगे एफ, एफ कब आएगा? जब इस पूरे बड़े सर्किल में से ए और सी को हटा देंगे। तो कहने का मतलब बी में से हमने किसको हटा दिया? बी माइनस ए यूनियन सी। ये तीन हो गए। अगला चलो, अब ये देखो ये वाला है आई। ओके आई कब आएगा? आई कब आएगा? जब ये देखो पहले ये जो बड़ा वाला कट है, ये बड़ा वाला कट किस किस का है? ए और सी का इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब ए और सी के जो इंटरसेक्शन में से यदि आप इस जे को हटा दो, और ये जे क्या है आपका? बी की एलिमेंट। तो देखो आई कब आएगा? ए और सी के इंटरसेक्शन में से बी की एलिमेंट हटा दिए तो आई आ जाएगा। इसी तरह से जे, जे आपका ये देखो बीच में है, और जे तो आपका इन तीनों का इंटरसेक्शन है, ये तीनों का कॉमन पार्ट है। तो जे इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में थोड़ा बड़ा बनाओ और इसको करके देखो, इजी चीज़ है। इसके बाद के, के आ गया आपका। ये देखो के कहाँ से आएगा? ये जो बड़ा वाला कट है ये क्या है? बी और सी का इंटरसेक्शन, और बी और सी के इंटरसेक्शन में से ए को हटा दो तो के आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए। इसी तरह से एल, एल कब आएगा? जब हम सी में से ए यूनियन बी को हटा देंगे, यानी कि सी में से ए और बी के एलिमेंट हटा दिए। तो ये पूरे सेट्स आपको समझ में आ गए होंगे आई थिंक। आप इसको अपनी कॉपी में बना के और प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज इसको आप खुद करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमने ये सारे डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनके नाम लिख दिए और इनकी नोटेशंस लिख दी कि ये किस किस तरह से हैं। अब हमें चाहिए कि ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि इन तीनों को मिला दें, ए बी सी का यूनियन कब आएगा? जब हम इन सारे छोटे सेट्स को मिला दें तो पूरा ए यूनियन बी यूनियन सी बन जाएगा। इसका मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या है? डी यूनियन ई यूनियन एफ यूनियन आई यूनियन जे यूनियन के यूनियन एल, इन सब को मिला दे तो ए यूनियन बी यूनियन सी बन जाएगा। एंड जो ए है, अलग से ए, पूरा कैपिटल ए, वो कब बनेगा? देखो ए किस किस से मिलके बन रहा है वो चारों लिख दो, डी ई आई और जे। तो हम लिख सकते हैं ए किस से बन रहा है? डी ई आई और जे, इन सब का यूनियन। इसी तरह से बी को लिख सकते हो एफ ई जे के। सी बन रहा है एल आई जे के। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी जिससे बन रहा है वो हमने लिख दिया ई यूनियन जे। बी इंटरसेक्शन लिख दिया, ए इंटरसेक्शन सी लिख दिया, एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सब लिख दिया हमने। सारे सेट्स जो भी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी वो हमने पहले ही लिख दिए। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यानी कि इक्वेशन नंबर वन पे आप दोनों तरफ पी का सिंबल लगा दो, यानी प्रोबेबिलिटी का सिंबल लगा दो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी का सिंबल आ गया यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हमने देखा कि ये जो जितने भी डी ई एफ आई जे के और एल, ये तो सारे डिसजॉइंट सेट्स थे अभी अभी हमने देखा, और डिसजॉइंट के लिए तो यूनियन आपका एज इट इज प्लस में खुल जाता है। तो पी डी प्लस पी ई प्लस पी एफ प्लस पी आई प्लस पी जे प्लस पी के प्लस पी एल, ओके डिसजॉइंट सेट्स हैं। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फाइव। तो ये आ गया हमारा P ऑफ A यूनियन B यूनियन C, इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन हमें P ऑफ A यूनियन B यूनियन C जो प्रूफ करना है, तो जैसे हमने अभी पिछले वाले पॉइंट में किया था दो के लिए, वैसे ही प्रूफ कर देंगे। तो आप चलते हैं, देखो क्वेश्चन क्या था। ये देखिए ये रहा P ऑफ A यूनियन B यूनियन C, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम इसको ही उठा लें पूरे को और इसकी वैल्यू चेक करते हैं कितनी आती है। ओके तो देखिए, एक बार तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी इतना आ गया,
दूसरी बार जो आंसर आपको प्रूफ करना है उसको हम ले लेते हैं कि पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए प्लस पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो जो आपको प्रूफ करना है उसी को हम ले लेते हैं। इसको प्रूफ करेंगे क्या आएगा, तो पी ऑफ ए, ए की जगह हम लिख देंगे डी यूनियन ई यूनियन आई यूनियन जे। तो ए की जगह हमने लिख दिया पी ऑफ डी यूनियन ई यूनियन जे यूनियन आई प्लस पी बी, पी बी की जगह हम लिख देंगे ये बी की वैल्यू रख देंगे तो पी ऑफ एफ यूनियन ई यूनियन जे यूनियन के प्लस पी ऑफ सी, पी ऑफ सी की जगह हमने सी की वैल्यू रख दी ये सी की वैल्यू है इसमें पी ऑफ सी आ गया माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन के बी को हम लिखते हैं ई यूनियन जे, तो ई यूनियन जे माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी आपके पास जे यूनियन के तो वो आ गया जे यूनियन के माइनस पी ऑफ आई, ये क्या है आपका ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन क्या है आई यूनियन जे, तो माइनस पी ऑफ आई यूनियन जे प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपका आ जाएगा पी ऑफ जे। ओके क्लियर है, क्यों, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर है, जे के बराबर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब देखो ये जितने भी अंदर सेट्स लिखे हुए हैं ये सारे डिसजॉइंट सेट्स हैं आप देख सकते हो। तो डिसजॉइंट के लिए जो यूनियन है वो एज इट इज प्लस में ओपन हो जाएगा, तो इन पूरे ब्रैकेट्स को प्लस में ओपन कर दो सिंपल सा, पी डी प्लस पी ई प्लस पी जे प्लस पी आई, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट पी एफ प्लस पी ई प्लस पी जे प्लस पी के, अगले से आएगा पी एल प्लस पी आई प्लस पी जे प्लस पी के, अगले से आएगा ये माइनस बाहर लग रहा है तो इसलिए माइनस पी ए माइनस पी जे माइनस पी जे माइनस पी के माइनस पी आई माइनस पी जे प्लस पी जे। इन सबको आप जब देखोगे ऐड करोगे तो कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होगा, यहाँ से हमारा आंसर आएगा पी डी प्लस पी ई प्लस पी जे प्लस पी आई प्लस पी एफ प्लस पी के प्लस पी एल। इनको थोड़ा अरेंज कर लो डी ई एफ आई जे के और एल। तो पी ऑफ ए प्लस, तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू किसकी आई पूरी पी ऑफ इसकी आई थी पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो है इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सिक्स में। तो अब आप ये देखो इक्वेशन नंबर की सिक्स की जो राइट हैंड साइड है वो आपकी इक्वेशन नंबर फाइव की राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो जब फाइव और सिक्स की राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो कहने का मतलब इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो यानी कि पी ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो हमने यहाँ पे लिख दिया सिंस फ्रॉम फाइव एंड सिक्स एल एच एस शुड बी सेम, सो पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यानी कि तीन इवेंट्स में से किसी एक के होने की प्रायिकता क्या होगी, ये हो जाएगी पूरी, ये फार्मूला हो जाएगा। ओके नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें। तो अभी हमने जो दोनों थ्योरम्स पढ़ी थी वो है हमारी एडिशन की थ्योरम। एडिशन की थ्योरम्स में क्या था, पहली तो थी आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आपका इंटरसेक्शन फाई होता है इसलिए जो यूनियन होता है वो प्लस की तरह एज इट इज ओपन हो जाता है, लेकिन जब यूनियन आप लेकिन जब आपकी जो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो आप जब उनका यूनियन या फिर उनमें से किसी एक के हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी चेक करोगे तो अभी जो फार्मूले आए थे दो और तीन इवेंट्स के लिए वो दोनों आएंगे। चार इवेंट्स के लिए आपको फार्मूला दिया भी नहीं है बुक में तो ज़रूरी भी नहीं है ये। नेक्स्ट आप देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी सह प्रतिबंधित प्रायिकता, ये क्या होती है, देखो इफ़ टू इवेंट्स ए एंड बी ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर सच दैट ए डिपेंड्स ऑन बी, यानी कि दो घटनाएं आपकी ऐसी हैं कि जो ए है वो बी पर निर्भर करती है, दैट इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ अकरिंग ए इज अफेक्टेड बाई द अकरिंग ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो बी पे डिपेंड कर रही है, यानी कि जो डिपेंड कर रहा है वो कौन है ए, और किस पे डिपेंड कर रही है बी पे। तो इसका मतलब जैसा बी का बिहेवियर होगा उस पे डिपेंड करेगी ए, तो इसका मतलब बी की अकरिंग जो होगी जब जब घटना बी घटित होगी या नहीं होगी उससे कौन प्रभावित होगा, घटना ए। ओके बिकॉज ए डिपेंड्स ऑन बी। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए When event V has been occurred, तो कहने का मतलब यदि आपके पास दो इवेंट ऐसी हैं कि उनमें से कोई भी एक दूसरी पे डिपेंड कर रही है, यानी कि दूसरी इवेंट होगी तो उस पर पहली वाली पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कहने का मतलब हम यदि प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं इस डिपेंडेंट इवेंट की यानी कि ए की,
कब, जब बी जो है वो पहले से ही अकर्ड हो चुकी है, पहले ही घटित हो चुकी है। तो जब घटना बी पहले ही घटित हो जाती है उसके बाद में घटना ए की प्रायिकता क्या होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी सह प्रतिबंधित प्रायिकता। सो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इट इज़ डिनोटेड बाई पी ऑफ ए अपॉन बी। तो जहाँ पे भी आपको पी ऑफ ए अपॉन बी दिख जाए या बी अपॉन ए दिख जाए, तो जो नीचे लिखा हुआ था डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर वाली इवेंट तो आपकी होती है इंडिपेंडेंट, और जो न्यूमरेटर में लिखी है वो डिपेंडेंट। तो इसको लिखते कैसे, बोलते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट बी हैज़ अकर्ड ऑलरेडी। तो कहने का मतलब जब घटना बी पहले से ही घटित हो चुकी है उसके बाद में ए के घटित होने की प्रायिकता, ये होती है पी ऑफ ए अपॉन बी। इसका आप एक एग्जांपल, जैसे मैं यहीं पे आपको बता दूं कि जैसे आपके पास एक कोई कार्ड्स का पैकेट है, ओके, ताश के पत्ते हैं। सो ताश के पत्तों कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। अब हम कह रहे हैं कि उस ताश के पत्ते की गड्डी में से एक पत्ता खींचो आप, ओके। तो ये तो हो गई आपकी इवेंट फर्स्ट, हमने कहा कि एक पत्ता खींचो और वो पत्ता आपका पान का पत्ता होना चाहिए, ओके, हर्ट का होना चाहिए। तो चलो आपने एक पत्ता उसमें से खींच लिया, अब हम कह रहे हैं कि उस पत्ते को वापस रख दो, ओके, और उसको वापस उसी गड्डी में रख के फिर से आप दूसरा पान का दूसरा पत्ता निकालो और वो आपका हुक्म का पत्ता होना चाहिए। तो आप क्लियरली यहाँ देख सकते हो कि जो पहली घटना हुई थी, पहली इवेंट हुई थी, उसके घटित होने या नहीं होने पर ही तो दूसरी डिपेंड कर रही है भाई। यदि आपने फर्स्ट टाइम में पान का पत्ता निकाला तो क्लियर सी बात है जो दूसरी इवेंट होगी वो डिपेंड करेगी उस पर। तो इस तरह की जो केसेज होंगे उनमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी। तो अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए ही अप्लाई होती है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम या फिर थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता की गुणन प्रमेय, ये क्या होती है, देखिए अभी अपने पढ़ी थी एडिशन प्रमेय, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी हैपन्ड। ये जो पी ऑफ बी अपॉन ए होता है या फिर ए अपॉन बी होता है, इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो न्यूमरेटर में होता है उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। तो हम कह रहे हैं कि कोई दो इवेंट्स हैं आपके पास, वो दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियसली अकरेंस, उनके एक साथ घटित होने की प्रायिकता, आप देखो एक साथ कहने का मतलब मल्टीप्लाई, ओके, जब भी कभी एक साथ आता है तो मल्टीप्लाई होता है। तो दो इवेंट्स के एक साथ घटित होने की जो प्रायिकता होगी वो किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी हैपन्ड। इसको दूसरे शब्दों में बोले तो, और द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपन्ड। तो आप दोनों को कैसे भी कर सकते हो, तो इसका मतलब पी ऑफ ए इनटू बी, ए इंटू बी का मतलब है ए और बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता, इज इक्वल टू इसकी आंसर क्या आता है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी अपॉन ए। तो कहने का मतलब क्या है, ए की प्रोबेबिलिटी इंटू बी की प्रोबेबिलिटी जब ए पहले से ही घटित हो चुकी है, या फिर बी की प्रोबेबिलिटी इंटू ए की प्रोबेबिलिटी अपॉन बी, यानी कि जब ए की प्रोबेबिलिटी जब बी पहले से ही हैपन्ड हो चुकी है। तो इन दोनों में से कोई भी फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो दो इवेंट के एक साथ घटित होने के लिए ये दोनों फार्मूले हमारे लागू होंगे, अप्लाई होंगे, इनमें से कोई भी एक आप अप्लाई कर सकते हो, सही आंसर आएगा। देखिए इसका प्रूफ देखेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली एंड लाइकली। तो हमने मान लिया एक एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स हैं वो कितने हैं, एन, ओके, बिकॉज वो सैम्पल पॉइंट्स जो होते हैं वो हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं और इक्वली लाइकली भी होते हैं, संप्रायिक होते हैं, यानी कि अपन उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। कहने का मतलब यदि आप सिक्का उछाल रहे हो तो हेड और टेल के साथ आप बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं करोगे कि भाई हेड आएगा तो वो भी एक बार आ सकता है और टेल भी एक बार आ सकता है। तो हमने मान लिया टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है हमारे पास एन, आउट ऑफ विच फेवरेबल कंडीशंस फॉर ए, हमने मान लिया कि जो इवेंट ए है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन तो है M1 एंड फेवरेबल कंडीशंस फॉर हैपनिंग ऑफ ए एंड बी साइमल्टेनियसली, और हमने मान लिया कि ए और बी के एक साथ घटित होने की जो कंडीशन है वो कितनी है, M2। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालें इनकी, पी ऑफ ए कितना आएगा, ए की कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन, तो M1 अपॉन N।
इसी तरह से पी ऑफ ए भी कितना आएगा, एम टू अपॉन एन, बिकॉज ए बी के एक साथ घटन होने के लिए कितनी कंडीशन है, एम टू। सो एम टू अपॉन एन, एन का मतलब आपका क्या है कि इसके टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स, तो एम वन अपॉन एन और एम टू अपॉन एन, ये आ गया। एंड अब हम निकालेंगे अलग से पी ऑफ बी अपॉन ए। ओके, पी ऑफ बी अपॉन ए निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है, पहले तो वो देखो। पी ऑफ बी अपॉन ए का मतलब है फेवरेबल कंडीशंस फॉर ए एंड बी साइमल्टेनियसली अपॉन फेवरेबल कंडीशंस ऑफ ए। ये कैसे आया देखो, पी ऑफ बी अपॉन ए को हम बोलते हैं कि जब ए इवेंट पहले ही घटित हो चुकी है उसके बाद में बी के घटित होने की प्रायिकता, ये मतलब होता है। जो नीचे लिखा होता है वो पहले हैपनिंग होता है और जो ऊपर होता है वो उसके बाद में होता है। तो इसका मतलब अब आप देखो, जब ए जो इवेंट है वो पहले ही हैपन हो गई, इसका मतलब ए इवेंट के लिए जितनी भी फेवरेबल कंडीशंस थी अब वो उस इवेंट के लिए सैंपल पॉइंट बन जाएंगी। इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान दो। आप कह रहे हो कि हमने ताश के गड्ढे, ताश के जो पैकेट है उसमें से हमने एक पत्ता बाहर निकाला और उसको वापस अंदर नहीं डाला, तो इसका मतलब वो एक पत्ता आपका कुछ भी हो सकता है। अब मैं कह रहा हूँ कि उसको जब हम पत्ते को वापस नहीं डाल रहे, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि दोबारा एक और पत्ता निकालो, ठीक है। तो पहले हमने एक पत्ता बाहर निकाल लिया, अब उसमें 51 पत्ते बचे। अब 51 पत्तों में से अब मैं कह रहा हूँ दोबारा से एक और पत्ता खींचो, तो इसका मतलब क्लियर है कि आपने जो फर्स्ट पत्ता उसमें से निकाला है पता नहीं वो क्या है। इसका मतलब पहला पत्ता जो भी निकला होगा उस पर आपका डिपेंड कर रहा है कि दूसरा क्या आएगा। ओके, बिकॉज एक पत्ता कम हो चुका है, इसका मतलब जो भी आपका सेकंड टाइम आप जो भी पत्ता निकालोगे वो पूरी तरह से फर्स्ट पत्ते पे निर्भर कर रहा है कि वो कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब पहला पत्ता यदि हमने निकाल लिया तो अब कितने पत्ते बचे टोटल, 51। तो अब 51 उसके लिए सेकंड वाले के लिए सैंपल पॉइंट हो जाएंगे। तो अब देखो, कहने का मतलब जो फेवरेबल कंडीशंस ऑफ ए हैं ये तो सैंपल पॉइंट की तरह काम करेंगी, इसका मतलब ये तो आपका आएगा डिनोमिनेटर में। फिर हम कह रहे हैं कि फेवरेबल कंडीशंस फॉर ए एंड बी साइमल्टेनियसली, ये क्यों आएगा, क्योंकि ए तो पहले से ही हो चुका है और बी अब बाद में हो रहा है, तो इसका मतलब ए और बी साथ में हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे साइमल्टेनियस वाले की जो फेवरेबल कंडीशन वो आ जाएंगी। तो पी ऑफ बी अपॉन कितना आएगा, साइमल्टेनियस के लिए हमने कंडीशंस मानी थी एम टू, तो एम टू अपॉन ए की फेवरेबल कंडीशन है एम वन, तो एम वन। तो पी ऑफ बी अपॉन ए कितना आ गया, एम टू अपॉन एम वन, इक्वेशन नंबर थ्री। और इक्वेशन नंबर वन में हमने निकाला था पी ऑफ ए, इक्वेशन नंबर टू में निकाला पी ऑफ ए बी, इक्वेशन नंबर थ्री में पी ऑफ बी अपॉन ए। तो तीनों से आसानी से रिजल्ट आ जाएगा, सिंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड पी ऑफ ए बी इक्वल टू एम टू अपॉन एन, ये एम टू अपॉन एन मैंने ये सेकंड जो इक्वेशन है वो एज इट इज लिख दी। इसको मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे एम वन से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर और नीचे। तो अब यहाँ से मैंने एम टू अपॉन एम वन एक कॉम्बिनेशन तो ये बना लिया, इन टू एम वन अपॉन एन एक कॉम्बिनेशन हमने ये बना लिया। एम टू अपॉन एम वन को आप लिख सकते हो पी ऑफ बी अपॉन ए, यहाँ से इन टू एम वन अपॉन एन को लिख सकते हो पी ऑफ ए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। सो फार्मूला आपके पास आ जाता है, यहाँ से आप पी ऑफ ए बी का फार्मूला क्या आया, पी ऑफ ए इन टू पी ऑफ बी अपॉन ए। तो यही हमें प्रूफ करना था। और ये प्रोसेस यदि आप रिवर्स लेके चलो, ए की जगह बी ले लो, तो नया फार्मूला क्या आएगा, पी ऑफ ए बी का पी बी इन टू पी ए अपॉन बी। तो दोनों सही हैं, दोनों में से एक आप ले सकते हो। सो ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जब दो इवेंट्स आपकी एक साथ हैपनिंग हो। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब वो कह रहा है कि हमारे पास बहुत सारी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट का मतलब वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही, यानी कि पहली घटना कुछ भी घटे तो ये दूसरी पे उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो उनमें से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। तो वो देखो, इफ़ ए वन ए टू डॉट 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 ए एन आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, हमने मान लिया कि हमारे पास ए वन ए टू ए एन इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ऑफ एन एक्सपेरिमेंट वेयर पी ऑफ ए वन इक्वल टू पी वन पी ऑफ ए टू इक्वल टू पी टू डॉट 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 पी ऑफ ए एन इक्वल टू पी एन, हमने मान लिया कि ए वन ए टू ए एन इनकी प्रायिकता कितनी है पी वन पी टू डॉट 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 पी एन। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन बार, बार का मतलब होता है उसका नेगेशन, यानी कि वो घटना घटित नहीं हो, तो पी ऑफ ए वन बार कितना आएगा, घटना ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ए वन। तो हम जानते हैं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है उसमें किसी भी घटना के यदि हम कहें कि वो ऑलवेज घटित होगी
ओके डेफिनेटली घटित होगी, तो हम कहते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी वन आती है। तो जब भी हम उसका नेगेशन निकालते हैं तो वन में से उसकी प्रोबेबिलिटी को हम घटा देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ए1 कितना आएगा, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए1 यानी कि वन माइनस ऑफ पी1। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए2 बार कितना आएगा, वन माइनस पी2। सिमिलरली पी ऑफ an बार यानी कि an के नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, वन माइनस pn। इसका मतलब देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एनी वन ऑफ द a1 a2 an। अब हम कह रहे हैं कि a1 भी नहीं घटे, a2 भी नहीं है नहीं घटे और an भी नहीं घटे, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं घटे। हम तथा लगा रहे हैं, एंड लगा रहे हैं कि a1 भी नहीं हो एंड a2 वो भी नॉट हैपन हो एंड an ये भी नॉट हैपनिंग हो। तो एंड लगा रहे हैं इसका मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एंड का मतलब पी ऑफ a1 बार यानी a1 भी घटित नहीं हुई इन टू a2 बार a2 भी घटित नहीं हुई। एंड बोलते हैं तो इन टू आता है, मल्टीप्लाई आता है डॉट 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 मल्टीप्लाई an बार। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एट लीस्ट वन इवेंट, तो ये तो था हमारा कि कोई भी इवेंट घटित नहीं हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, पी ए वन बार इंटू पी ए टू बार इंटू पी ए एन बार। अब हम कह रहे हैं कि ये तो कोई भी घटित नहीं हो रही तब की है। अब यदि हम पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एट लीस्ट वन इवेंट, कि कम से कम एक तो घटे, तो एट कम से कम एक कब घटेगी, जब हम इसके नेगेशन को हटा देंगे, यानी कि वन में से इस नेगेशन को हटा देंगे, यानी कि वन में से हम ये प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि नॉट हैपनिंग इवेंट। सो वन में से यदि हम ये प्रोबेबिलिटी घटा दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग नो इवेंट, कोई भी घटित नहीं हो, उसको हमने वन में से घटा दिया, तो उसका मतलब क्या होगा कि कम से कम एक तो ज़रूर हैपनिंग होगी। सो वन माइनस पी ए वन बार इंटू पी ए टू बार डॉट 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 पी ए एन बार इक्वल टू वन माइनस, इनकी वैल्यू पुट कर दो, वन माइनस पी वन बाई माइनस पी टू, ये कहाँ से आया, ये रहा पी ऑफ ए वन बार कितना था, वन माइनस पी वन, वन माइनस पी टू, वन माइनस पी एन। सो ये सब अब वैल्यू हमने रख दी। सो इस तरह से ए वन ए टू ए एन एन इवेंट्स हैं और उनमें से किसी एक के घटित होने की प्रायिकता क्या आएगी, वन माइनस उनमें से किसी के भी घटित होने की प्रायिकता, किसी के भी नहीं घटित होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। सो इस तरह से आज की वीडियो लेक्चर में हमने थ्योरेटिकल पार्ट इसका कंप्लीट किया है, प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक पार्ट है। आगे भी अभी इसमें काफ़ी थ्योरम्स वगैरह हैं, सो इन थ्योरम्स से भी बेस्ड एग्जाम्पल्स जो हैं वो मैं अगले लेक्चर में करवाऊँगा। तब तक के लिए आप बने रहिए और मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ओके थैंक यू सो मच।